Assalamualaikum students, how are you all? Okay students, in science today we have to do reading of unit environment from your book page number 64. This one is your science book, so you have to open the page number 64. Okay, unit number 18, environment. So let's start the reading. A clean environment is important to stay healthy. Again, a clean environment is important to stay healthy. There are ways to help protect the environment. What is that? Environment kya hota hai? Environment hota hai hamara mahol. यानी कि हमारे एक जो साफ सुथरा माहौल है वो हमें हेल्दी रहने के लिए जो है हमारे बहुत जरूरी होता है. एक क्लीन एनवायरनमेंट यानी कि अगर एक साफ माहौल होगा तो हम हेल्दी रहेंगे. देयर आर द वेज टू हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट के ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास हेल्पफुल एक्शंस हैं जिनसे हम अपने माहौल को जो है वो साफ रख सकते हैं. अब क्या क्या है हेल्पफुल एक्शंस, क्या है कि अभी जो है हमें अपने घरों को यानी कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने घरों को, अपनी जहां पे हम रहते हैं उनको साफ सुथरा रखना चाहिए. नंबर टू पे क्या है, क्लोथ बैग. क्लोथ बैग यानी कि कपड़े के जो थैले होते हैं हमें वो इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि जो शॉपर्स होते हैं लाइक जो पॉलिथिन्स के बने हुए होते हैं वो जो है हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लोथ बैग्स यूज करने चाहिए. नंबर थर्ड पे क्या है, नंबर थर्ड पे है कि हमें जो है अपने गार्डन्स में, गार्डन्स के अलावा अपने घर में, अपने घर के इर्द गिर्द जो है न्यू प्लांट्स जो है वो लगाने चाहिए. यानी कि हमें जो है ग्रीनरी का एरिया जो है अपने घर के किसी कॉर्नर में, पॉट्स में जरूर रखना चाहिए. जो फोर्थ वन है आप उसमें देख रहे हैं कि एक लड़की जो है वो कुछ फेंक रही है, यानी कि रबिश जो है वो डस्टबिन में फेंक रही है. तो इसका मतलब है कि हमें जो है जितना भी रबिश, जो भी कूड़ा करकट होता है वो हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, हमें घरों में नहीं रखना चाहिए, दूर जो है अपने घरों से कहीं फेंक कर आना चाहिए. ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं. आप अब क्या करेंगे, आप इसकी रीडिंग करेंगे और इन पॉइंट्स को जो है वो थोड़ा लर्न करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं. ओके, नाउ यू हैव टू डू रीडिंग फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 64. ओके, थैंक यू.